हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 7 बजे से, और मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे, बट फिर मैं दोबारा सो गई थी, क्योंकि आपको पता है नींद बहुत कम वक्त है हमको ज़्यादा सोने नहीं देती है, उठा देती है। प्लस मेरा फ़ोन भी बहुत जल्दी मुझे उठा देता है। तो अब चलते हैं कपड़ों में प्रेस करवाने, और कपड़े मैंने धोकर भी रख दिए हैं। कुछ आज सुबह के कपड़े थे, कुछ एक दो दिन पहले के कपड़े थे, क्योंकि ऑफिस में पूजा उजा चल रही थी, रामचरितमानस जी का पाठ पढ़ा गया था, इसलिए अब ज़रा चलते हैं। थोड़े बहुत कपड़े अभी छत में डाल देंगे, फिर उसके बाद जाएंगे प्रेस करवाने। और अब करते हैं अपने हाथ को कवर करने के लिए, कुछ पहनते हैं अपने हाथ में। ज़रा मैं ढूंढती हूँ कहाँ रखा है करके मैंने, क्योंकि मैं भुलक्कड़ भी हूँ ना, सामान कहीं रख के मैं छोड़ देती हूँ। तो फाइनली मुझे मिल गया था, कुछ सेकंडों में मुझे ये ग्लव्स मिल गए थे अपने हैंड को कवर करने के लिए। 3 मंगाए थे मैंने ऑनलाइन, काफ़ी अच्छे आए, स्किन कलर का, पर्पल कलर का और ब्लैक कलर का। तो मैंने पूरी जिम वाली ड्रेस पहनी थी, तो अब मैं ये पहनती हूँ ब्लैक कलर का, क्योंकि ऑल ब्लैक बनी हुई थी इसलिए। तो मैंने फाइनली इसको पहना अपने हाथों में, तो सीरियसली देखा जाए तो इसका मटेरियल बहुत ही प्यारा था, और काफ़ी अच्छे से इसने मेरे हाथ को कवर किया था। ये हाफ हैंड को लेकर गया है फिंगर के साथ, फिंगर कवर नहीं हुई, बाकी ऊपर से सब कुछ कवर हो गया था। अब पहनते हैं सेकंड वाला, ज़रा पहन के ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है। तो देखा जाए तो काफ़ी सही लग रहा है पहन के, क्योंकि धूप बहुत तेज है, मेरे हाथ जल ना जाए, टैनिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने कवर कर लिया है अपने हाथों को। तो अब चलते हैं अपने कपड़ों में प्रेस करवाने, क्योंकि फिर ऑफिस भी जाना है, ऑफिस से फिर घर भी आना है। देखते हैं कहाँ कहाँ जाऊँगी आज। फाइनली मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी हूँ, अब चलते हैं ऑफिस, फिर वहाँ से आपसे मुलाकात होगी शाम को ही। तब तक के लिए मेरा वेट करना। यस, मेरे केबिन में लग रहा था एग्जॉस्ट फैन, क्योंकि यहाँ से एयर पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भैया लोग इसको अच्छे से फिट कर रहे थे। गाइस, मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ घर, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, इसलिए बच चुके हैं 5, हो चुकी है शाम, बट धूप है अभी भी। अब देखते हैं थोड़ा आराम आराम करके, कपड़े वपड़े बदल के देखती हूँ, क्या पता गोला पार्क जाऊँ, हो सकता है, नहीं तो मुश्किल ही है। जहाँ तक है नहीं जाऊँगी, जाऊँगी तो व्यू वगैरह आपको दिखाऊँगी, ठीक है। उसके बाद अभी चलते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह बदलते हैं, थोड़े घर के कपड़े पहनते हैं। तो गाइस, रात के बज चुके हैं 8, अब देखते हैं कि मैं क्या बनाऊँ। मन तो मेरा कर रहा है कि मैं बनाती हूँ आलू के पराठे, क्या आप लोग भी खाना चाहेंगे मेरे हाथ के आलू के पराठे? फिलहाल तो मैंने आलू बॉईल भी नहीं कर रहे हैं, अभी करती हूँ बॉईल, फिर करते हैं कुछ इंतज़ाम। तो मैं बनाती हूँ डिनर, डिनर के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कैसे कैसे बनाया। कुछ तो होना चाहिए ना व्लॉग में दिखाने के लिए, क्या दिखाऊँ मैं और खाना ही बनाते हुए दिखाऊंगी मैं तो अब। आटा आटा गूंदने के बाद, आलू वगैरह बॉईल करने के बाद, मैंने स्टार्ट कर दिए थे आलू के पराठे बनाना। ये लास्ट पराठा था, 4th वाला था, 3 मैं बना चुकी थी ऑलरेडी पहले ही, तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, इसलिए मैंने फ़ोन अपना चार्ज में लगा दिया था, क्योंकि लाइट भी बहुत परेशान कर रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। सिलेंडर नीचे से बंद कर दिया, क्योंकि छोटा सिलेंडर है, खली सही नहीं है। ये देखिए मैंने 3 पराठे ऑलरेडी बना के रख दिए हैं, अब इसको भी रख के वहाँ पटक देते हैं इधर, और लगा देते हैं प्लेट का ढक्कन। अब देखते हैं क्या गेम खेलती हूँ मैं यहाँ पर। वैसे एक गर्म तवे में कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, बहुत बार समझाया, बट मुझे कौन समझा पाएगा, किस पे हिम्मत है, किसी पे भी नहीं है हिम्मत जो मुझे समझा दे। अब करते हैं खाना शुरू, अपना डिनर करते हैं। हल्का सा मैंने प्याज काटा था, आम का अचार है, बाकी पराठे लेकर आई थी मैं 2 खाने के लिए। पराठे खाती हूँ अब, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरा वेट करना।
गाइस, आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे पैर हंसना मत, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ उन आंटी अंकल के पास इन्वर्टर नहीं है, क्योंकि अभी नया नया घर बना है इसलिए, तो उनके पास इन्वर्टर नहीं है और ना ही मेरे रूम पे कोई कनेक्शन दे रखा है, मतलब मेरे कमरे पे मेरा घर ही हुआ। तो मैं आ चुकी हूँ बाहर, रात के बज चुके हैं 11:30। मैं आई थी बाहर अपने रूम के बाहर ऐसे ही, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो गई थी और मुझे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मैं देख रही थी सब लोगों के वहाँ इन्वर्टर भी था, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लग जाएगा, जब लगेगा आपको बता देंगे। जब तक मैं यहाँ हूँ, उफ़ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस दुनिया में, क्या करें। और मेरे को तो गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं अभी अपने घर पे होती तो आराम से कूलर के आके सोई रहती, बट कोई नहीं। और जस्ट बगल में थोड़ा सा दूर यहाँ पर कहीं पर शादी भी हो रही थी, तो गाने भी आ रहे थे, गाने की आवाज़ भी आ रही थी। तो मैं आपको थोड़ा अंधेरे का व्यू दिखा देती हूँ, आप लोग मुझे बताना आपको ये अंधेरे का व्यू कैसा लगा, कमेंट करना मुझे नीचे। तो गाइस, फाइनली लाइट आ चुकी है, अब चलते हैं सोने, फिर आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं कहीं नहीं गई, कोला पार भी नहीं गई, तो मैं अपने रूम पर ही हूँ, मतलब कि अपने घर पे। अब जाते हैं सोने, आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें। बाय बाय, गुड नाइट।